Yes. जसमीत आपने बेटा देखा है कि कभी जब हम आपने लेडीज को चूल्हे पे काम करते देखा Yes. है ना, तो जब लेडीज बेटे चूल्हे पे काम करती हैं तो वो साथ साथ में किसी गत्ते से या किसी से या एक से उसमें हवा डालती रहती है या गत्ते से उसको हिलाती रहती है। हैव यू सीन Yes. दैट? Yes. वो आपको पता है भी वो गत्ते से क्यों हिलाती रहती है? No. अच्छा, बर्निंग के लिए। विच स्टूडेंट विल टेल मी विच गैस हेल्प्स इन बर्निंग? मैम किसी को दो जिसका हाथ खड़ा है। हम ऑक्सीजन। दिस इज ऑक्सीजन, वेरी गुड। तो जब धुआं जलता है, राइट, जब लकड़ी जलती है धुआं होता है, तो धुएं को साइड में करने के लिए, ताकि वुड को, वुड शुड गेट सफिशियंट ऑक्सीजन, राइट। तो जो वो लेडीज है वो गत्ते या कोई सी भी चीज यूज करके उस धुएं को साइड में करती है। इज इट ओके? ठीक है। अच्छा जी, अब आपने कभी देखी है कि किस किस स्टूडेंट के पास, नेक्स्ट स्टूडेंट को माइक दो। यस, क्या नाम है बेटा आपका? प्रभजोत। प्रभजोत। हाँ जी प्रभजोत, मुझे ये बताओ, हैव यू एवर सीन कि लकड़ी गीली है या कुछ है, एंड दैट इज हाफ बर्न्ड, पूरी तरह बर्निंग नहीं होती, यस। है ना? और एक, आप मुझे ये बताओ, ये एक लकड़ी गीली है और एक सूखी है ना? गीली लकड़ी को ऑब्वियसली ऑक्सीजन नहीं प्रॉपर मिल रही है, और जो सूखी है इट इज गेटिंग सफिशियंट ऑक्सीजन। तो जो गीली लकड़ी है इट इज हाफ बर्न, जो सूखी लकड़ी है इट बर्न्स कंप्लीटली, राइट। सो विच विल गिव मोर एनर्जी, दैट ड्राई वुड और द मॉइस्ट वुड? ड्राई वुड। ड्राई वुड। एंड व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर कंप्लीट बर्निंग ऑफ द ड्राई वुड? मैम ऐश। ऐश। एंड व्हाट इज लिबरेटेड आउटसाइड? मैम CO2। कार्बन डाइऑक्साइड। एंड व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर बर्निंग ऑफ दैट मॉइस्ट वुड और वेट वुड? मैम वाटर। वाटर। नहीं, वो पूरी जलती नहीं है, तो वो लकड़ी अभी भी पड़ी हुई है, राइट और नॉट? यस और नो मैम यस। एवरीबडी? हाँ यस। बैठो बेटा प्रभजोत, बैठो, है ना? वो जो नेक्स्ट स्टूडेंट को दो माइक, वेरी गुड, राइट। सो दैट हाफ बर्न्ट वुड इज स्टिल वुड, इजंट इट? हाँ जी बेटा, स्टूडेंट खड़े हो जाओ बेटा, क्या यस नाम है आपका? भगवीर कौर। मनवीर कौर। यस ओके मनवीर, सो डू यू नो दैट कि दैट हाफ बर्न्ट वुड, इफ इट इज ड्राइड प्रॉपरली, इट कैन बी बर्न्ट आफ्टर दैट ऑल्सो? मैम यस। यस, इट कैन बी बर्न। वेयर एज द ड्राई वुड इट इज कंप्लीटली बर्न, इट लीव्स ऐश एंड इट लिबरेट्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स। यस और नो? दैट्स गुड, दैट्स गुड। बैठो बेटा, नेक्स्ट स्टूडेंट, व्हाट्स योर नेम बेटा? मैम जैस्मिन। जैस्मीन। जैस्मीन, यू टेल मी कि कैन यू कंपेयर दिस विद एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन? मैम यस। यस, टेल मी देन, व्हाट इज एरोबिक रेस्पिरेशन, व्हाट इज एनारोबिक रेस्पिरेशन? मैम इन एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन यस, और कोई नहीं बताएगा, इन द लेट जस्ट प्रेजेंस मी ऑफ जस्ट ऑक्सीजन। विच एरोबिक की एनारोबिक? मैम एरोबिक। एरोबिक टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, सो इफ ऑक्सीजन इज सफिशिएंट, देयर विल बी कंप्लीट बर्न, बर्निंग ऑफ ग्लूकोज या ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज की इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज? मैम कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ कंप्लीट ग्लूकोज। ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज एंड इट विल लीव, व्हाट इट विल लीव? मैम CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड वाटर एनर्जी, एंड एनर्जी। राइट। एंड व्हाट अबाउट एनारोबिक रेस्पिरेशन, व्हाट इज दैट? आप बैठो जैस्मीन, नेक्स्ट स्टूडेंट को माइक दो। व्हाट्स योर नेम मैम बेटा? अभिजोत। अभिजोत। यस ओके अभिजोत, बताइए। यस, मैम एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इज इट कंप्लीट बर्निंग ऑफ ग्लूकोज की इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज? इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। व्हाट इज फॉर्मड? व्हाट इज लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड? सो लैक्टिक एसिड कैन बी ब्रोकन फर्दर और इट कैन नॉट बी ब्रोकन फर्दर? यस कैन बी।
इट कैन बी ब्रोकन फर्दर, राइट? जैसे अधजली लकड़ी होती है, इनकम्प्लीट बर्नड वुड कैन बी बर्नड फर्दर, लाइकवाइज लैक्टिक एसिड कैन बी ब्रोकन फर्दर फॉर इट्स कंप्लीट ब्रेकिंग, फॉर इट्स कंप्लीट बर्निंग. इज इट ओके? एवरीबडी यस ओके? मैम, ठीक है, बैठो बेटा, बैठो बैठो बैठो. सो व्हाट वी से, टुडे इज 9th. सो वी से दैट सेलुलर रेस्पिरेशन, ध्यान से सुनना है बेटा आपने, सेलुलर रेस्पिरेशन इट अकर्स इनसाइड द सेल. दिस इज सेल. फर्स्ट थिंग, कभी भी सेल के बाहर नहीं होती, इट ऑलवेज अकर्स इन साइड द सेल. एंड वट इट रिक्वायर्स, इट रिक्वायर्स फूड, मेनली ग्लूकोज. बेटा जरूरी नहीं वैसे ग्लूकोज ही यूज हो, कुछ और चीजें भी यूज हो सकती है, अमीनो एसिड्स भी यूज हो सकते हैं, फ्रक्टोस भी यूज हो सकता है कई, बट द प्राइमरी सोर्स इज ग्लूकोज ओनली, राइट? सो दिस ग्लूकोज, तो एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल मीन्स डाइजेस्टिव सिस्टम, थ्रू ब्लड ग्लूकोज, थ्रू ब्लड गोज इनटू द सेल, राइट? सो फ्रॉम वेयर द फूड कम्स, इट कम्स फ्रॉम द एलिमेंट्री या डाइजेस्टिव सिस्टम. एंड हाउ डज इट कम, हाउ डज इट रीचेस टू द सेल, थ्रू द ब्लड, राइट? लाइकवाइज फ्रॉम द लंग्स द ऑक्सीजन रीचेस द सेल्स थ्रू ब्लड. ये हम अपनी बात कर रहे हैं. सो दिस ग्लूकोज फर्स्ट इट ब्रेक्स डाउन इंटू पायरुवेट, एंड देन दिस पायरुवेट इट ब्रेक्स डाउन इंटू कार्बन डाइऑक्साइड, वॉटर एंड एनर्जी. इज इट राइट? सो द ग्लूकोज कम्स फ्रॉम द डाइजेस्टिव सिस्टम, ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम द लंग्स, बट बोथ द ट्रांसपोर्ट इज द सेम, द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज द सेम, इट इज द सर्कुलेटरी सिस्टम और द ब्लड विच ट्रांसपोर्ट्स ग्लूकोज एज वेल एज ऑक्सीजन इन टू द सेल. सो ग्लूकोज इट फर्स्ट ब्रेक्स इन टू पायरुवेट, देन पायरुवेट फर्दर ब्रेक्स इन टू कार्बन डाइऑक्साइड, वॉटर एंड एनर्जी, एंड दिस इज एरोबिक रेस्पिरेशन. एवरीबडी ओके? ये समझ में आई? यस और नो, जोर से बोलो. ओके बेटा, करें आगे. अब क्या है बच्चे? एनारोबिक रेस्पिरेशन. एनारोबिक रेस्पिरेशन अकर्स इन मेनी ऑर्गेनिजम्स, फॉर एग्जाम्पल यीस्ट. व्हाट इज यीस्ट? आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा, यीस्ट इज द यूनिसेलुलर फंगस. वन सेल की बनी है, इट इज फॉर्म्ड ऑफ सिंगल सेल एंड इट इज ए फंगस. फफूंदी हम हिंदी में क्या बोल देते हैं?
फफूंदी, ठीक है? सो दिस इज यीस्ट। इन यीस्ट ग्रोज इन ए, यू नो, लेट अस से ऑन प्लांट्स ऑन सम सबस्ट्रेटम, राइट? दिस इज यीस्ट। इट एब्जॉर्ब्स ग्लूकोस फ्रॉम द, बेटा सबस्ट्रेटम, मैं एक नया वर्ड आपको बता रही हूँ, सबस्ट्रेटम। व्हाट इज दिस सबस्ट्रेटम? वे आर द यीस्ट ग्रोस। सबस्ट्रेटम वो चीज है जहां पर यीस्ट ग्रो कर रही है, किसी प्लांट के ऊपर ग्रो कर रही है, किसी फ्रूट के ऊपर ग्रो कर रही है, जहां पर भी ग्रो कर रही है वहां से। क्योंकि यीस्ट, फंगस में कोई डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है। डाइजेस्टिव सिस्टम किसमें होता है? एनिमल्स में होता है, राइट? सो फंगस डोंट हैव डाइजेस्टिव सिस्टम। फ्रॉम वेयर इट गेट्स ग्लूकोज? फ्रॉम द सबस्ट्रेटम। सबस्ट्रेटम मीन्स वेयर इट ग्रोज। इट मीन्स यीस्ट ग्रोज, राइट? सो दिस इज यीस्ट सेल। इट टेक्स ग्लूकोज बट नॉट ऑक्सीजन। सो हेयर ग्लूकोज, इट ब्रेक्स इनटू पायरुवेट एंड देन इन द एब्सेंस ऑफ पायरुवेट इट ब्रेक्स इनटू अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। मैं दोबारा से आपको बताती हूँ, यीस्ट सेल में व्हाट इज हैपनिंग? ग्लूकोज इट ब्रेक्स इनटू पायरुवेट एंड देन रिमेंबर दैट नो ऑक्सीजन। इट ब्रेक्स इनटू इथाइल अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी, राइट? इज इट ओके? यस और नो? जोर से, ठीक है। अब हम एक और चीज बताएंगे। इन लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया विच इज फाउंड इन द कर्ड, कितने बच्चे सुबह दही खा के आते हैं? रेज योर हैंड्स। यस, कुछ बच्चे। तो उन सबके स्टमक में क्या गया? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। बहुत सारे जो बैक्टीरिया जो कर्ड बना रहे हैं, विच इज दैट? दैट इज लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। इट इज LAB। एंड बेटा इधर इधर उधर नहीं, सब इधर। एंड इन अवर मसल्स ऑफ लिम्स, लिम्स मतलब आर्म्स एंड लेग्स, इनके मसल्स में भी, ठीक है? व्हाट हैपन्स? ग्लूकोस इट ब्रेक्स इनटू पायरुवेट एंड दिस पायरुवेट, अगेन वी से नो ऑक्सीजन, इट ब्रेक्स इनटू लैक्टेट प्लस एनर्जी, नो कार्बन डाइऑक्साइड बट लैक्टेट प्लस एनर्जी। सो व्हाट वी कंक्लूड, इधर ध्यान से आपने देखना है,
दैट ग्लूकोज इट ब्रेक्स डाउन इन टू पायरुवेट. दिस इज ए कॉमन स्टेप फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन एज वेल एज एनारोबिक रेस्पिरेशन. यस और नो? एवरीबडी जोर से. ठीक है जी. चलिए उसके बाद इसके तीन स्टेप्स जाते हैं. फर्स्ट है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. क्या होता है? कंप्लीट ब्रेकडाउन. रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ CO2 प्लस वाटर प्लस लॉट ऑफ एनर्जी. देन सेकेंड इज इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. देयर अकर्स इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन. इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन के दो पाथ्स है. कौन कौन से पैसेजेस है? वन इज इथाइल एल्कोहल प्लस CO2 प्लस एनर्जी एंड द सेकेंड वन इज लैक्टेट प्लस एनर्जी. इज इट ओके? दिस वन इज. हां जी, किस स्टूडेंट के पास माइक है बेटा? बोलो बेटा, नाम बोलो और फिर मैम बताओ. शगनप्रीत. शगनप्रीत. ओके, दिस इज एरोबिक की एनारोबिक रेस्पिरेशन. मैम एरोबिक रेस्पिरेशन. हां जी, नेक्स्ट बोलिए. मैम दिस यस वन इज एरोबिक की एनारोबिक. एनारोबिक. एनारोबिक रेस्पिरेशन. नेक्स्ट स्टूडेंट, विच हैज मोर एनर्जी, एरोबिक की एनारोबिक? मैम यस. विच प्रोड्यूसेस मोर एनर्जी, एरोबिक रेस्पिरेशन की एनारोबिक रेस्पिरेशन? मैम एरोबिक. एरोबिक रेस्पिरेशन प्रोड्यूसेस मोर एनर्जी. नेक्स्ट स्टूडेंट, बेटा कैन इथाइल एल्कोहल एंड लैक्टेट कैन बी फर्दर ब्रोकन और नॉट? नो. इथाइल एल्कोहल को हम दोबारा से ब्रेक नहीं कर सकते? हाँ जी. एनी अदर स्टूडेंट? हाँ जी, नेक्स्ट को माइक दो. क्या नाम है बेटा आपका नेक्स्ट का? हरमनदीप कौर. ओके बेटा हरमनदीप, टेल मी, इथाइल अल्कोहल कैन बी फर्दर ब्रोकन? मैम यस. अगर इसको ऑक्सीजन दे दी जाए तो इट कैन बी फर्दर ब्रोकन. लैक्टेट कैन बी फर्दर ब्रोकन? मैम नो. बेटा यस, लैक्टेट कैन बी. देखो, क्योंकि जैसे मैंने क्या बताया था, बैठ जाओ, जैसे मैंने क्या बताया कि जो थोड़ी सी गीली लकड़ी है उसको ऑक्सीजन नहीं मिली तो वो पार्शियल ही बर्न हुई, बट अगर हम उसको सुखा दें और फिर उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फिर जलाएं तो इट कैन बी फर्दर बर्न एंड लीव कार्बन डाइऑक्साइड. लाइक दिस, हेयर ऑल्सो पायरुवेट इज नॉट गेटिंग ऑक्सीजन, देयरफॉर इट पार्शियली ब्रेक्स इनटू दिस. एंड इफ इथाइल अल्कोहल या लैक्टेट इट इज बर्न्ट, इट इज ब्रोकन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, देन दे ऑल्सो ब्रेक टू लिबरेट लॉट ऑफ एनर्जी. बट एनारोबिक रेस्पिरेशन इट प्रोड्यूसेस लेस एनर्जी देन एरोबिक,
द लैक्टेट एंड इथाइल एल्कोहल कैन बी डिस्पोज्ड ऑफ, इसको हम खत्म कर सकते हैं इफ दे आर फर्दर ब्रोकन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. इज इट क्लियर टू एवरीबडी? नेक्स्ट स्टूडेंट, क्लियर है यस बेटा? मम्मी, यस क्लियर है? तो अब बताओ, इथाइल एल्कोहल और लैक्टेट को क्या हम फर्दर ब्रेक कर सकते हैं? मम्मी, यस यस. कैसे कर सकते हैं? क्या चाहिए उसके लिए? ऑक्सीजन. ऑक्सीजन चाहिए. बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड. जिसने ये नोट करना था वो कर लिया. नेक्स्ट स्टूडेंट, व्हाट इज द कॉमन स्टेप ऑफ एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन? नाम बताओ और फिर बताओ. मैम एवनप्रीत कौर. एवनप्रीत कौर. ओके बेटा, चलिए अब मुझे बताइए, विच इज द कॉमन स्टेप ऑफ एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन? मैम ग्लूकोज. ये तो ग्लूकोज तो सबस्ट्रेट है, कॉमन स्टेप क्या है, प्रोसेस का स्टेप क्या है? ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू मैम पाइरूवेट. पायरुवेट. बिल्कुल ठीक. यहां से बेटा डिवीजन हुआ है. ये जो है, एवरीबडी राइट डाउन द कॉमन स्टेप फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ द कॉमन स्टेप फॉर एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन इज ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पाइरुवेट. इज इट ओके? ओके यस ठीक है बेटा. लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया में ऑलवेज लैक्टिक एसिड एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस, बट इन मसल्स व्हेन? नेक्स्ट स्टूडेंट, नाम बताओ. मैम नवजोत कौर. नवजोत. ठीक है बेटा, आप फिर इसके बाद बॉयज को शिफ्ट कर देना माइक. मुझे ये बताइए, व्हेन आवर मसल्स शो एनारोबिक रेस्पिरेशन, ऑलवेज की समटाइम्स? मैम विच आर रेस्पिरेशन. व्हेन आवर मसल्स शो एनारोबिक रेस्पिरेशन? मैम व्हेन वी डू हार्ड वर्क एंड एक्सरसाइज. यस, हैवी एक्सरसाइज. व्हेन वी डू नॉर्मली, अभी हम बैठे हैं बेटा, बॉयज सीधे बातें नहीं बेटा. सो वी आर सिटिंग आराम से, है ना, कोई हम एक्सरसाइज नहीं. सो आवर मसल्स आर शोइंग एरोबिक रेस्पिरेशन, बट व्हेन वी डू हैवी एक्सरसाइज ऑक्सीजन विल नॉट बी अवेलेबल. हमारे मसल्स में बेटा ऑक्सीजन स्टोर्ड होती है, दैट स्टोर्ड ऑक्सीजन गेट एग्जॉस्टेड एंड देन अवर मसल स्टार्ट एनारोबिक रेस्पिरेशन. बैठो बेटा, अब बॉयज को दे दो. यस हाँ जी बेटा, माय क्वेश्चन इज, हाउ, अभी मैंने बताया है, हाउ मसल्स गेट ऑक्सीजन थ्रू मैम थ्री यू ब्लड. ब्लड, बट हम क्या कह सकते हैं कि ड्यूरिंग वर्किंग द मसल्स गेट ऑक्सीजन दैट इज स्टोर्ड इन देम. ओके ओके मैम. ठीक है. सो एवरीबडी राइट डाउन, मसल्स हैव स्टोर्ड ऑक्सीजन. ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज या जब हम बहुत लंबी रेस करते हैं, स्टोर्ड ऑक्सीजन गेट्स यूज्ड अप एंड देयर स्टार्ट्स एनारोबिक रेस्पिरेशन. हैव यू एवर हर्ड अबाउट फर्मेंटेशन? हाँ जी बेटा, जिसके पास माइक है वो बताए, क्या नाम है बेटा आपका? हरप्रभजोत सिंह. हरप्रभ जोत. हैव यू एवर हर्ड अबाउट फर्मेंटेशन? यस हाँ, क्या नाम, किसको कहते हैं फर्मेंटेशन? बैठो बेटा बैठो. एनारोबिक रेस्पिरेशन इज कॉल्ड एज फर्मेंटेशन. फर्मेंटेशन इज एनारोबिक रेस्पिरेशन. लिख लो ये,
Another name of anaerobic respiration is fermentation. So, one can ask you two types of fermentation. So, what will we say? Alcoholic, as shown by yeast, and lactic acid. बेटे जब हम बहुत तेज भागते हैं, आप हेमकुंड साहब जाओ, आप इधर वैष्णो देवी जाओ, तो व्हाट वी फील समटाइम्स, वी आर यू नो, जब हम चढ़ाई चढ़ रहे हैं और उसके कुछ देर बाद हमारी जो टांगे हैं वो थक जाती है, वी कैन नॉट गो फर्दर. व्हाई? नेक्स्ट स्टूडेंट. मैम बिकॉज स्टोर्ड ऑटो इज यूज्ड अप. स्टोर्ड ऑक्सीजन गेट्स यूज्ड अप एंड द मसल्स गेट मस्कुलर क्रैम्प्स. हम कह देते ना, दैट इज मसल क्रैम्प्स. बट ऑक्सीजन तो स्टोर्ड, बट मसल क्रैम्प्स, हम आगे क्यों नहीं बढ़ पाते? क्योंकि हमारी एनर्जी भी यूज्ड अप हो जाती है. एनर्जी भी यूज, बट हम बाजुएं हिला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, सिर्फ हमारी टांगे ही नहीं चल रही. क्यों? मैम बिकॉज लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो रहा है. यस, ड्यू टू लैक्टिक एसिड, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड. मैं थोड़ा सा मैकेनिज्म, सिट डाउन बेटा, वेरी गुड. सो व्हाट हैपेंस, दिस इज, यू नो, दिस इज नर्व फाइबर, दिस इज मसल. द मसल्स वर्क, इधर देखना है, पानी छोड़ दो, पानी सब कुछ छोड़ दो, अभी नहीं बेटा. दिस नर्व फाइबर, हाउ डू द मसल्स वर्क? मसल्स गेट द मैसेज फ्रॉम द नर्व फाइबर. When the muscles get the message from the nerve fibers, then the muscles start working. But what happens when lactic acid is formed? This lactic acid, it gets deposited here. This is lactic acid. Lactic acid ne in dono ke beech mein kya bana di? दीवार बना दी, ड्यू टू विच मसल्स डू नॉट गेट मैसेजेस फ्रॉम द ब्रेन. मसल्स को मैसेज नहीं मिल रहा, वो कहते हमने काम नहीं करना. डू गेट? ऐसे नहीं कि मसल्स बेचारे बीमार पड़ गए, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मसल्स आर हेल्दी. बट बिकॉज लैक्टिक एसिड गेट्स डिपॉजिटेड इन बिटवीन नर्व फाइबर्स एंड द मसल्स डू नॉट गेट मैसेज फ्रॉम द नर्व फाइबर्स and muscles don't work. But after some time, when we take deep breath, lot of oxygen goes into muscles. When we do massage of our legs, blood circulation increases, muscles get oxygen. If we put our legs or foot in the hot water, again the blood supply gets increased, due to which again the muscles get oxygen. एंड वट नेक्स्ट स्टूडेंट, आगे वाले को दो बेटा माइक. यस यस, यू टेल मी, व्हाट्स योर नेम? जितेंद्र. सो वट हैपन, हाउ द लैक्टिक एसिड, ये परमानेंट तो यहाँ पर रहता है नहीं है, हाउ द लैक्टिक एसिड गेट्स डिस्पोज्ड ऑफ, कैसे खत्म होता है ये लैक्टिक एसिड? ऑक्सीजन मैम, विद ऑक्सीजन. ऑक्सीजन से, बिल्कुल ठीक है बेटा. इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन लैक्टिक एसिड गेट्स कंप्लीटली बर्न. बैठो बेटा. लैक्टिक एसिड गेट्स कंप्लीटली बर्न इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. ठीक है बेटा. सो लैक्टिक एसिड गेट्स डिस्पोज्ड ऑफ, इट गेट्स कंप्लीटली ब्रोकन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. सो हाउ लैक्टिक एसिड वर्क, किस कारण से लैक्टिक एसिड जो है हमारे मसल्स को काम नहीं करने देता, यू नो दिस. Is it okay? ठीक है जी. चलिए बेटा, ये सारा लेक्चर मैं अगेन आपको बता रही हूँ, ये सारा लेक्चर रिकॉर्डेड है और ये हमारी साइट यूट्यूब पे जाओगे क्या, डुकॉन देखे आपने, ई लर्निंग ये चैनल है बेटा, उस पे ये अपलोड होगा.
आपने कल आपका कल या परसों आपका इस चैप्टर में से टेस्ट दोबारा होगा जो हमने पढ़ाया है। तो ये बेटा आपने चारों लेक्चर्स रिवाइज करके आने हैं। इज इट ओके? ठीक यस ओके है, ये आपको पता था हमारे चैनल का नाम मैंने बताया था आपको। हाँ, यस तो ये आपने किन किन बच्चों ने विजिट किया था चैनल, रेज योर हैंड्स। वेरी वेरी फ्यू, बट ये सबने करना है बेटा ताकि आप ये याद कर सको। बैठो नीचे, गुड जॉब। ठीक है जी, तो ये आपको पता चला। लेट्स डू सम एक्सरसाइज नाउ। चलिए जी, नेक्स्ट स्टूडेंट जिसके पास माइक है, खड़े हो जाओ। हाँ, यस क्या नाम है बेटा आपका? राजू सिंह राजवीर सिंह। बताओ बेटा जल्दी से। आई आफ्टर हैवी एक्सरसाइज अ पर्सन फील्स द पेन इन द मसल्स अभी हमने किया है। मैम ड्यू टू एक्युमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड दैट बिल्कुल अगेन ठीक, वेरी गुड राजवीर, वेरी गुड। बैठो, सिट डाउन। नेक्स्ट स्टूडेंट। हाँ, सिर्फ इसको बोल। आपका नाम क्या बेटा? कार्तिक कार्तिक शर्मा शर्मा। ओके कार्तिक, नाउ टेल मी ए ऑप्शन ए, बाकी भी पढ़ो बेटा। एंड सी ए एंड सी, यस। व्हेन लैक्टिक एसिड गेट्स डिस्पोज्ड ऑफ इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, है ना, एंड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन द लैक्टिक एसिड गेट्स कंप्लीटली बर्न इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। बिल्कुल ठीक है, बैठो बेटा। नेक्स्ट जिसकी बारी है वो बताए। हाँ जी, क्या नाम है बेटा आपका? कार्तिक कार्तिक वर्मा वर्मा। यस, हाउ द मसल्स गेट सफिशिएंट ऑक्सीजन आफ्टर एक्सरसाइज? बाय बाय डीप ब्रीदिंग, बाय ऑल द हॉट, अबव ऑल द अबव। बाय डीप ब्रीदिंग, बाय हॉट वाटर बाथ, बाय ऑयल मसाज, ऑल द अबव। वेरी गुड। नेक्स्ट बेटा। अच्छा, आपने कभी देखा है कि जब हम बहुत हाई लद्दाख में जाएं तो पहले बेटा वो लद्दाख में नहीं जाने देते हैं, वो कहते हैं पहले लेह में स्टे करो, लद्दाख में नहीं जाना। लद्दाख में जाके नोज ब्लीडिंग हो जाएगी, ब्रेथलेसनेस हो जाएगी, चल नहीं पाओगे, और हो सकता है अगर किसी को सांस की, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो तो उसके लिए डेथ भी हो सकती है। क्यों, ऐसा क्या है? हाई ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड मीन्स हाइट्स पे जाओ। हाँ, मैम बोथ ए एंड सी बोथ ए एंड सी, वेरी गुड। बिकॉज एयर हैज लेस ऑक्सीजन एंड दस द पर्सन फील्स ब्रेथलेसनेस। हाई ऑल्टीट्यूड्स पे जाओ, और उसके बाद इसीलिए ही जहां पे ऑक्सीजन कम होगी वहां पे रेट ऑफ ब्रीदिंग भी ज्यादा होगी। राइट, ओके। हाँ जी बेटा, क्या नाम है बेटा आपका? मनवीर सिंह मनवीर सिंह। मनवीर सिंह, यस ओके मनवीर सिंह। पहले ये चारों पढ़ने हैं, ये ऑप्शंस, उसके बाद मुझे इसका आंसर देना है बेटा। जल्दी से, ये सारे के सारे करेंगे, किसी से भी मैं पूछ सकती हूँ। ये ऑप्शंस है, इन ऑप्शंस के बेस पे आपको पहले ये पढ़ो। लॉट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड, असर्शन ठीक है, गलत है, क्या है क्या नहीं, जल्दी से। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ए मतलब बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन एक्सप्लेन असर्शन, आप यही कहना चाह रहे हो? चलिए देखते हैं। लॉट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड, देखो ध्यान से देखो, लॉट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, क्या ये ठीक है? ऑक्सीजन की एब्सेंस में बहुत सारी एनर्जी प्रोड्यूस होती है कि कम होती है? मैं प्रोड्यूस होती है बहुत सारी, कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ज्यादा होती है? लकड़ी कब जलती है, जब बहुत सारी ऑक्सीजन हो कि जब कम ऑक्सीजन हो? बहुत सारी बहुत सारी। तो जब लकड़ी पूरी जलेगी तब ज्यादा हीट होगी कि कम जलेगी, या आधी जलेगी तब ज्यादा हीट होगी? मैं ज्यादा चलेगी ज्यादा जलेगी। तो हम कह रहे हैं लकड़ी ज्यादा कब जलती है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो अब यहाँ पे बताओ, सेल्स में
एरोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी ज्यादा कि एनारोबिक में? मैम एनारोबिक तो फिर ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन तो एनारोबिक हो गया। तो ये स्टेटमेंट ठीक है कि गलत है? मैं गलत है। दिस इज रॉन्ग बेटा। अब ये बताओ, रीजन वाली स्टेटमेंट ठीक है? यस यस, ये ठीक है। तो कौन सी ऑप्शन हो गई? मैं D1 डी ऑप्शन हुई। वेरी गुड बेटा, बैठो। समझ आ गई आपको? हाँ जी। नेक्स्ट स्टूडेंट, क्या नाम है बेटा आपका? अशनप्रीत। अशनप्रीत, राइट? यस ओके अशनप्रीत, ये बताइए, असर्शन ठीक है? मैं यस अच्छा, ब्लड सप्लाई, ऑयल मसाज ऑफ मसल्स, यस, ये ठीक है। ये बताओ, मैं ये भी ठीक है। मैं ये भी ठीक है, बट डज दिस एक्सप्लेन दिस? नो नो। तो ऑप्शन क्या आ जाएगी? मैं सी सी। तो बेटा असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल है, हमने तो कहा दोनों ठीक है। मैं बी बी ऑप्शन आ जाएगी, राइट? बैठो बेटा, वेरी गुड। हाँ जी। नेक्स्ट स्टूडेंट, क्या नाम है बेटा? संतोष प्रतीत। खुश प्रतीक, यस, ओके बेटा। हमने लाइम वाटर क्या बताया था? मैं आपको ऑप्शन दे देती हूँ बच्चे, कि व्हाट इज द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ लाइम वाटर? ए है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बी है कैल्शियम क्लोराइड, सी है कैल्शियम कार्बोनेट। आप इन हम तीनों में सी 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 बेटा वन ध्यान से देखो, व्हाट इज द केमिकल लाइम वाटर क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम क्लोराइड है, कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है? हाइड्रोक्साइड मैम हाइड्रोसाइड। है बेटा, कैल्शियम लाइम वाटर इज, सबने याद रखना है, लाइम वाटर इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH2। बैठो बेटा, नेक्स्ट स्टूडेंट, क्या नाम बेटा आपका? जतिन जतिन। व्हाट व्हाई इट टर्न्स मिल्की व्हेन मिक्स्ड विद कार्बन डाइऑक्साइड? पहले तो बनता क्या है जब ये लाइम वाटर CO2 से रिएक्ट करता है? किसी से नहीं पूछना बेटा। हाँ नहीं, देखो, लाइम वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्स CaCO3 CaCO3 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म CaCO3 प्लस वाटर। एंड ये मिल्की, कैल्शियम कार्बोनेट इसको मिल्की क्यों कर देता है बेटा? इंटरेक्ट विद द CO2। नहीं है तो सही, बट मिल्की क्यों हो जाता है? ट्रांसपेरेंट ही क्यों नहीं रहता? चीनी मिलाओ तो वो तो ट्रांसपेरेंट ही रहती है, बिकॉज इट इज, हाँ जी, जिसको पता है वो हाथ खड़ा करे। मिल्की क्यों है? प्रेसिपिटेट्स क्यों बन जाते हैं? कैल्शियम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके हाँ जी बेटा, कैल्शियम मैम बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कार्बोनेट तो ठीक है, बट वाई कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म्स प्रेसिपिटेट्स? मैम बिकॉज इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। वेरी गुड। क्या नाम है बेटा आपका? मैम गुरजोत। वेरी गुड गुरजोत, आई शुड क्लैप दिस गुरजोत, इसने याद रखा है, सबने याद रखना है। बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ, बिकॉज कैल्शियम कार्बोनेट इज इनसॉल्युबल। बेटा अगर कोई चीज सॉल्युबल हो तो वो क्लियर कर देगी। हम चीनी पानी में मिलाएं तो पानी क्लियर रहता है, कोई कलर थोड़ी चेंज होता है, ठीक है? तो प्रेसिपिटेट क्यों? क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट इज इनसॉल्युबल। हाँ जी। नेक्स्ट, नेम द ऑर्गेनिज्म यूज्ड इन बेकिंग एंड ब्रूइंग। यस्ट यीस्ट, बिल्कुल ठीक है, इट इज यीस्ट। बेकिंग में यीस्ट की कार्बन डाइऑक्साइड यूज होती है और ब्रूइंग में यीस्ट की इथाइल अल्कोहल यूज होती है। इज इट राइट?
ठीक है, बैठो बेटा, क्या नाम है बच्चे आपका? माय नेम इज अग्रिम जैन। ओके बेटा बैठो, चलो सब बैठ जाओ, बस दिस इज द लास्ट वन आई हैव टू टेल यू, राइट? सो बेटा दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, चीजें तो बहुत है, बट दीज आर द कंसेप्चुअल थिंग्स विच आई हैड टोल्ड यू, राइट? तो स्टूडेंट्स दिस इज द लास्ट क्लास विद यू, राइट? आई होप यू एंजॉयड माई क्लासेस, यस और नो? कोई स्टूडेंट वॉलंटरीली माइक ले बेटा, कोई? हाँ जी बेटा, खड़े हो जाओ। क्या आपको मजा आया हमारी क्लासेस का? मैम यस सबको सब बताना बेटा इसको, है ना? एवरीबडी एंजॉय। क्या यस आपको नई चीजें पता चली? यस, यस राइट। तो अब जो कल जो एग्जाम दोगे, सारा जितना मैंने पढ़ाया है सब कुछ याद है आपको, ठीक है? तो आज कोई चीज नहीं होगी, तो वो देख के आना बेटा, कल या परसों, छोटा सा टेस्ट। वैसे ही आप तो बहुत इंटेलिजेंट हो बेटा, एंड योर टीचर इज ऑल्सो वेरी गुड, यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर वेरी वेल। कुछ थोड़ी सी नई चीजें मैंने बता दी, और वट इज द पर्पज ऑफ दिस विच आई हैड टोल्ड यू? एक तो आपके कंसेप्ट चीजें क्लियर हो गई, ऊपर से जब आप फर्दर क्लासेस में जाएंगे तो ये चीजें आपको याद रहें, राइट? तो जल्दी से मुझे फटाफट से, कोई भी स्टूडेंट, हमारे पास एल्वियोलाई क्यों ज्यादा है? व्हाई देयर आर सो मेनी एल्वियोलाई? मैम फॉर द क्विक एक्सचेंज ऑफ गैसेस। व्हाई देयर आर एक एल्वियोलाई और बहुत सारे एल्वियोलाई में किस चीज का डिफरेंस है? नेक्स्ट स्टूडेंट, मैम किसी इट हेल्प्स इन क्विक एक्सचेंज ऑफ गैसेस। क्विक एक्सचेंज, दैट इज एब्सोल्यूटली करेक्ट, बट क्यों बहुत सारे एल्वियोलाई क्यों क्विक एक्सचेंज करते हैं एज कम्पेयर टू सिंगल एल्वियोलाई? मैम बिकॉज सरफेस इंक्रीजेस। बिकॉज मेनी एल्वियोलाई हैव मोर सरफेस देन सिंगल एल्वियोलाई, दिस इज एब्सोल्यूटली करेक्ट। देन व्हाई बॉइल्ड सीड्स कैन नॉट जर्मिनेट? नेक्स्ट स्टूडेंट, बिकॉज हाँ, द एम्ब्रियो इनसाइड देम इज मैम डाइड डेड, डेड। बिकॉज इट इज डेड, इट कैन नॉट जर्मिनेट, इट कैन नॉट रेस्पायर, इट कैन नॉट चेंज द टेम्परेचर। आई थिंक द टाइम फॉर यू इज, है ना, क्योंकि नेक्स्ट क्लास ने भी आना है। आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड द क्लास, एंड वी विल सी यू फर्दर विद सम न्यू चैप्टर्स इन न्यू क्लासेस, राइट स्टूडेंट्स? थैंक्स अ लॉट स्टूडेंट्स, एंड थैंक्स मैम फॉर योर सच अ नाइस कोऑपरेशन। थैंक यू मैम। थैंक यू जी, ओके, बाय बाय मैम। यू विल बी हियर।